अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस के आगाज़ में काय की बिल्ले का ढोल बजता है। सब लोग हैरानगी से देखने लगते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन अपने काफ़ी सारे आदमियों के साथ वहां पहुंच गए थे, लेकिन वो अपना रूप बदल कर एक ताजिर की शक्ल में आए थे। अंदर पहुँच कर वो सब अपने घोड़ों से उतर आते हैं। दुनदार उन्हें खुश आमदीद कहता है। सुल्तान कहते हैं, हमने अपने दोस्तों से अरतुल साहब के बारे में बहुत सुना है। हम यहाँ तिजारत करने आए हैं। हलब में मुझे अबू मंसूर मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। दुनदार कहता है, आपको बहुत खुश आमदीद है। मैं अरतुल साहब का भाई दुनदार हूँ। आप अपने आदमियों के साथ हमारे मेहमान बने। आप लंबा सफर तय करके आए हैं, कुछ आराम कर लें। सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया। फिर वो एक तरफ कुछ रूमियों को देख कर कहते हैं, मैंने सुना है कि आपकी रियासत कारा जैसर के साथ हालत जंग में है, फिर भी आप इन रूमियों के साथ तिजारत कर रहे हैं। दुनदार कहता है, ये तिजारत नहीं है, बल्कि अरतुल साहब ने इन लोगों की मदद करने का हुक्म दिया था, क्योंकि ये मुश्किल में हैं। सुल्तान कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी रियासतें देखी हैं, लेकिन आप पहली रियासत हैं जो अपने दुश्मन के लोगों की भी मदद करते हैं। आयमा खातून कहती हैं, अरतुल साहब हमेशा गरीब लोगों की मदद करते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, लगता है अरतुल साहब ना सिर्फ एक अजीम जंगजू हैं, बल्कि एक बेलौस इंसान भी हैं। फिर दुनदार आयमा खातून और हलीमा सुल्तान का तारुफ कराता है। सुल्तान कहते हैं, आप लोग बहुत ही शानदार कालीनें तैयार करते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपसे बहुत सारी कालीनें खरीदना चाहता हूँ। फिर सुल्तान अपने आदमी को इशारा करते हैं, तो वह सोने की दो बड़ी बड़ी पोटलियाँ उठाकर ले आता है। सुल्तान कहते हैं, मैं आधी रकम पेशगी अदा करना चाहता हूँ और बाकी कालीनें तैयार होने के बाद अदा करूँगा। दुनदार वह सोना वसूल कर लेता है और कहता है, इंशाल्लाह आपको हमारी कालीनें बहुत पसंद आएंगी। फिर हलीमा कहती है, आप मुझे कुछ जाने पहचाने लगते हैं। सुल्तान कहते हैं, मैंने बहुत से शहरों और बहुत सी जगहों की तरफ सफ़र किया है, लाजमी आपने कहीं मुझे देखा होगा। फिर आयमा खातून कहती हैं, मुसाफिरों को कुछ आराम करने दें। फिर सिपाही गुनकुत उन्हें लेकर एक तरफ चला जाता है। उनके जाने के बाद हलीमा कहती है, मुझे महसूस होता है कि मैं इस आदमी को कहीं से जानती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। मुझे इस आदमी पर शक है। ये और इसके आदमी ताजरों की तरह नहीं लगते, बल्कि ये शाही लोग लगते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में एक सिपाही अंदर आकर वसूलियस को बताता है कि शहनशाह के मुहाफिज यहाँ आए हैं। वसूलियस कहता है, भेजो उनको। वसूलियस का कमांडर कहता है, शहनशाह अपने मुआवजों को सिर्फ किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, लाजमी कोई अहम मसला होगा। फिर वह शहनशाह का कमांडर अंदर दाखिल होता है, जो सुल्तान के जासूस का पीछा कर रहा था, और कहता है, गवर्नर वसूलियस, हमें आपके सिपाहियों की ज़रूरत है। हमें शहनशाह के महल में एक जासूस का पता चला था, जो सुल्तान अलाउद्दीन के लिए काम कर रहा था। आज सुबह हमने उस पर हमला किया था, जब वो दूसरे आदमी से मुलाकात कर रहा था। वो जासूस जख्मी हो गया है, लेकिन फिर वो दूसरे आदमी की मदद से भागने में कामयाब हो गया है। वसूलियस कहता है, क्या आप जानते हैं कि वो आगे किससे राबता करने वाला था? कमांडर कहता है, इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन उसका एक थैला हमें मिला है। वसूलियस वो थैला खोल कर देखने लगता है, उसमें कुछ कपड़े मौजूद थे। वसूलियस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि उसे कैसे तलाश करना है। फिर वो अपने कमांडर निकोलस को कहता है, अपने बेहतरीन आदमी तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अपनी आदमियों के साथ ट्रेनिंग एरिया में पहुंच चुके थे और सिपाहियों को आपस में प्रैक्टिस करते हुए देखने लगते हैं। इतने में दुनदार उनके पास आ जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, माशाल्लाह आपके सिपाही काफी अच्छी हालत में हैं, ये चीते की तरह मजबूत लग रहे हैं। दुनदार कहता है, हम हर वक्त इनकी तरबियत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जंग बहुत करीब है। सुल्तान पूछते हैं, क्या दूसरे तुर्क कबीले भी काई कबीले की तरह जंग के लिए तैयार हैं? दुनदार कहता है, वो तैयार हैं। अरतुल साहब जब भी दूसरे तुर्क सरदारों से मुलाकात करते हैं, तो वो उन्हें सिपाहियों को तैयार रखने का मशवरा देते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, मैंने सुना है कि अरतुल साहब सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं। दुनदार कहता है, ये बात आप उनसे खुद पूछ लेना जब वो वापस आएंगे। इतने में अरतुल भी वहाँ पहुँच जाता है। दुनदार कहता है, भाई आ गए हैं। सुल्तान अलाउद्दीन अरतुल की तरफ देखने लगते हैं और फिर उधर से वापस चल पड़ते हैं। अरतुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, तैयार हो जाओ सिपाहियों, काफिर वसूलियस खून का प्यासा आदमी है और अब निकाया से उसके पास नए सिपाही आ चुके हैं, इस वजह से हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमारे सुल्तान इस वक्त मंगोलों के साथ निपट रहे हैं और हम इन ज़मीनों पर वसूलियस की ज़िंदगी अजीरन कर देंगे। इस दौरान सुल्तान भी एक तरफ छुप कर यह सब देख रहे थे। फिर अरतुल घोड़े से उतर आता है और अपने साथियों से मिलने लगता है। इतने में सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वसूलियस दो कुत्तों को लेकर बाहर आ चुका था, ताकि उनकी मदद से सुल्तान के जासूस को तलाश किया जा सके। सिपाही उन कुत्तों को जासूस के कपड़े सुंघाते हैं और फिर सब आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान वसूलियस का कमांडर कहता है,
मैं हैरान हूँ कि वो जासूस कोनिया जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हैं। वसूलियस कहता है, यहाँ कोई और आदमी है जो कोनिया और निकाया के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है, हमें उसका पता लगाना होगा, वो भी इस जासूस के पीछे ज़रूर आएगा। कमांडर कहता है, अगर हम उससे पहले जासूस तक पहुँच गए तो उस आदमी का भी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में अर्तुल दुंदार को कहता है, तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो, इससे मैं काफ़ी मुतासर हुआ हूँ, अब तुम जिरगे का आदमी और एक सिपाही होने के पूरे हकदार हो। यह सुनकर दुंदार बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मेरे पास भी आपके लिए एक खुशखबरी है भाई, हलब से एक ताजर अबू मंसूर यहाँ आया है, वो हमारी कालीनों से काफ़ी मुतासर है और हमसे बहुत सारी कालीनें खरीदना चाहता है, उसने पेशगी में काफ़ी सारा सोना भी दे दिया है। अर्तुल कहता है, यह तो खुशी की बात है, कहाँ है वो? दुंदार कहता है, अभी तो वो यहीं था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। जावेदार कबीले में आलियार असलान को कहता है, जब से आप अमीर सादुद्दीन की तरफ से होकर आई हैं आपने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, आप घुड़सवारी और शिकार की शौकीन हैं लेकिन अभी आप अपने खेमे में बंद होकर रह गई हो। असलान कहती है, मैं एक आज़ाद परिंदे की तरह उड़ना चाहती थी लेकिन किस्मत ने मुझे कैद कर दिया है। आलियार कहता है, कोई भी आपको इस शादी पर मजबूर नहीं कर सकता बाजी, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। असलान कहती है, अब तीर कमान से निकल चुका है भाई, मैं रियासत और हमारे कबीले के दरमियान दुश्मनी नहीं पैदा करना चाहती, आपको क्या लगता है कि आप सादुद्दीन हार मान जाएगा? आलियार कहता है, आप मुझ पर यकीन रखें बाजी, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको ये शादी करने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। असलान मुस्कुराते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आप जैसा भाई मिला है। आलियार कहता है, शुक्रिया बाजी, आज शाम हम अर्तुल साहब की तरफ जाएंगे, आप तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ वसूलियस के कुत्ते एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। एक सिपाही कहता है, जनाब वो इस गार में छुपे हैं। ये सुनकर वसूलियस उस गार की तरफ बढ़ने लगता है और अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन हली बाजार के सराय महल में पहुंच चुके थे, वहाँ बाजार के बहुत सारे ताजर भी मौजूद थे जिन्हें सुल्तान ने दावत देकर बुलाया था। वह सब ताजर अर्तुल की बहुत तारीफें करते हैं और कहते हैं, अर्तुल साहब ने हमेशा हमारी मदद की है और हमारे सारे टैक्स भी माफ कर दिए हैं। फिर सुल्तान अलाउद्दीन आलिकों को कहते हैं, मेरे मेहमानों के लिए गोश्त और शरबत लाओ और मुझे मायूस मत करना। फिर आलिको अपने आदमी को अच्छा खाना तैयार करने का हुक्म देता है। फिर वो दुमरल को कहता है, इस आदमी ने मेज़ पर सियासत शुरू कर दी है, मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लगा, इसने पूरा सराय महल बुक कर लिया है, मैं खौफजदा हूँ कि इसके पीछे वसूलियस ना हो। दुमरल कहता है, तुम परेशान ना हो आलिको, हमारे आदमी सारी रात जाकर इनकी निगरानी करेंगे, मैं भी कबीले जाकर अर्तुल साहब को इस बारे में खबर देता हूँ। दूसरी तरफ वसूलियस गार में पहुंच जाता है जहां सुल्तान का जासूस सो रहा था। वसूलियस उसकी टांग में तलवार रखकर उसे जगा देता है और कहता है, हमने आपकी नींद में खलल तो नहीं डाला? वो जासूस अपना खंजर उठाने की कोशिश करता है लेकिन वसूलियस उसे नाकाम बना देता है और कहता है, बताओ मुझे सुल्तान अलाउद्दीन की ज़मीनों पर तुम्हारा जासूस कौन है, यहाँ तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? जासूस कहता है, मैं शहादत का इंतज़ार कर रहा हूँ कमीने। वसूलियस उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इतने में शहनशाह का खास कमांडर अंदर दाखिल होता है और कहता है, कमांडर वसूलियस, वो दो आदमी थे, एक आदमी गायब है। ये सुनकर वसूलियस उस कमांडर की गर्दन पर तलवार फेर कर उसे मार देता है। और फिर कहता है, जैसे मेरा अंदाजा था, वो गायब जासूस हमें सुल्तान का आदमी देगा। अपने सिपाहियों को तैयार करो निकोलस, हम उनके लिए एक जाल बिछाएंगे जब वो यहाँ आएंगे। दूसरी तरफ आलियार और असलान काई कबीले पहुंच चुके थे और सब खाना खाने लगते हैं। इस दौरान हलीमा उनको बताती है कि आज एक ताजर यहाँ आया है जिसने हमारी कालीनों की शोहरत के बारे में सुना था, अब हम दोनों कबीले मिलकर मजीद कालीनें तैयार करेंगे। आलियार कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमारी कालीनें काफ़ी मशहूर हो गई हैं अर्तुल साहब, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो आदमी कौन है और कहाँ से आया है। अर्तुल कहता है, उसका नाम अबू मंसूर है और वो हलब से आया है, ऐसा उसने दुंदार को बताया है। आयमा खातून कहती हैं, मुझे उम्मीद है कि उसकी नीयत अच्छी होगी। इतने में दुमरल अंदर दाखिल होता है और कहता है, सरदार मैं हली बाजार से आ रहा हूँ, एक ताजर अबू मंसूर वहाँ पहुँचा है, वो ताजरों से बातचीत कर रहा था और उनसे तजारत और सियासत के बारे में सवालात कर रहा था, वो सुनहरी जबान का आदमी है सरदार, लोग उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अर्तुल कहता है, शुक्रिया दुमरल, तुम उस पर नज़र रखो। फिर दुमरल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आलियार कहता है, वो एक ताजर है, फिर वो इस तरह के सवालात क्यों कर रहा है? अर्तुल कहता है, हम इसका पता लगाएंगे आलियार साहब। फिर साहब खाना खाने लगते हैं। इस दौरान हाइमा खातून देखती हैं कि असलहान बहुत परेशान बैठी थी और उससे पूछती हैं, क्या बात है बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? असलहान कहती है, मैं ठीक हूँ हाइमा वालदा, मैं कालीनों और अपनी शादी के बारे में सोच रही थी। हाइमा खातून पूछती हैं, तो तुम्हारी शादी का कोई दिन मुकर्रर हो गया है? असलान कहती है,
हमारे सुल्तान अचानक कहीं चले गए थे, इसलिए हमें शादी मुलतवी करनी पड़ी। अब अमीर सादुद्दीन यहाँ आएंगे और फिर हमारी शादी यहाँ होगी। अलियार कहता है, यह बेहतर हुआ कि शादी मुलतवी हो गई है। यह सुनकर असलान हैरानगी से अलियार की तरफ देखने लगती है। अलियार कहता है, यह सब हमारे खानदान की तरह है बाजी, हम इनसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। अर्तुल पूछता है, खैर है अलियार साहब, मसला क्या है? अलियार कुछ बताने लगा था कि अचानक हलीमा के पेट में दर्द हो जाता है। सब लोगों का ध्यान उस तरफ हो जाता है। हलीमा कहती है, मेरा बच्चा आने वाला है। फिर वो दर्द से चीखने लगती है। आयमा खातून असलान को कहती हैं, आप जाकर फौरन अर्तुक साहब को बुला लाओ। ये सुनकर असलान फौरन बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद हकीम अर्तुक आ जाता है और हलीमा का मायना करने लगता है और फिर कहता है, सूरत हाल ठीक नहीं है सरदार, बच्चे की पैदाइश शुरू हो चुकी है लेकिन कुछ ठीक नहीं है। आप फौरन दाइयों को बुला लें और अफसा खातून आप कुछ पानी गर्म कर लें, दाइयों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर अर्तुल उठकर बाहर मरकजी खेमे में आ जाता है और कुछ परेशान हो जाता है। और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।